दोस्तों आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने वाले हैं मालगाड़ी के डिब्बों में अंतर आखिर क्यों होता है और क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मालगाड़ी के डिब्बों को कोच ना कहकर वैगन क्यों कहा जाता है, तो कोच हम लोग नहीं कहते हैं, उन्हें हम वैगन कहते हैं। गुड्स ट्रेन की बात कर रहे हैं, हिंदी में उसे कहते हैं मालगाड़ी। पहले नंबर पर बात करेंगे हम BCN टाइप के जो वैगन होते हैं उनके बारे में। तो BCN, तो B का मतलब होता है बॉक्स, C का मतलब होता है कवर, न्यू का मतलब होता है न्यूमेटिक ब्रेक, यानी कि न्यूमेटिक ब्रेक जो होते हैं हर प्रकार के वैगन में लगे होते हैं, जैसे कहते हैं एयर ब्रेक कहते हैं। आप लोगों को बता दें इनके विभिन्न प्रकार के कलर यानी BCN के होते हैं और इनके वेरियंट भी बहुत होते हैं। BCN करके आगे कुछ और नाम लिखा होगा तो यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे वो BCN ही कैटेगरी के आते हैं। ये छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। इनमें ज़्यादातर अनाज ढोया जाता है, सीमेंट ढोई जाती है और पूरी तरीके से ये डिब्बे के जैसे दिखते हैं। दोस्तों अगर बरसात होती है, बरसात के समय इसमें पानी भी नहीं पहुँचता है, यानी कि पूरी तरीके से सील होते हैं। अगला टाइप है बॉक्सन, BOXN बॉक्सन, ये होता है बॉक्स ओपन न्यूमेटिक ब्रेक, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा ऊपर का पोर्शन जो होता है वो खुला होता है। बॉक्सन टाइप वैगन में ज़्यादातर सामान वो भेजा जाता है जो पानी में भीग जाए फिर भी ख़राब ना हो, यानी कि भीगने से उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, जैसे कि गिट्टी, पत्थर, कोयला, ये सामान जो है इस बॉक्सन टाइप वैगन में भेजा जाता है। तो आप लोग देख कर पहचान सकते हैं बॉक्सन किस प्रकार का होता है, BCN किस प्रकार का होता है। अगला टाइप है BTPN, तो BTPN बॉक्स टैंकर बोला जाता है। तो बॉक्स टैंकर में ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोलियम, केरोसिन, मिल्क वाले भी टैंकर आते हैं। इस प्रकार के अगर टैंकर आप लोगों को, कलर अलग अलग हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है, टैंकर कहीं पर इस प्रकार का दिखाई पड़ता है तो ये जो आता है BTPN के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर इसे कहते हैं BTPN वैगन। तो यहाँ पर बॉक्स टैंकर बोला जाता है। दोस्तों अगला है BOB, इसे हुपर वैगन भी कहते हैं, हुपर वैगन। तो ये जो है ज़्यादातर पत्थर ले जाने के लिए काम आता है, इसमें कोयला भी ढोया जाता है। इसमें देख सकते हैं नीचे गिराया जा सकता है कोयला, क्योंकि आप लोगों ने इस प्रकार के वैगन ज़्यादातर देखे होंगे जहाँ पर रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा होता है, वहाँ पर इस टाइप के वैगन जो हैं ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उनमें बैलास्ट यानी कि पत्थर को ढोया जाता है। तो ये BOB टाइप के जो, या हुपर वैगन कह सकते हैं या BOB। अगला है BLC कंटेनर ले जाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, BLC वैगन जो होता है इसे ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है कंटेनर ले जाने के लिए। ये सी पोर्ट पर यानी कि समुद्री जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर जो कंटेनर आते हैं उनको लाने और ले जाने का काम BLC वैगन से किया जाता है। BRN इसे फ्लैट वैगन के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर जो है मिलिट्री गाड़ी को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है और मिलिट्री में ही इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे स्टेशन से ट्रकों को लोड किया जाता है, कर्नाटक तक ले जाया जाता है। महाराष्ट्र में क्या है, ट्रकों को ले जाने के लिए इस टाइप का ही ट्रैक बनाया गया है। साथ में आप लोगों को बता दें क्योंकि वहाँ पर पर्वतों की संख्या ज़्यादा होने के कारण, तो पर्वतों पर गाड़ी चढ़े या फिर उतरे ट्रक इस तरीके से करने पर उनका यानी कि लोड भी ज़्यादा होता है, दूसरी बात है समय भी ज़्यादा लगेगा, तो समय ज़्यादा ना लगे इसलिए वहाँ पर जो है स्पेशल टाइप का एक रूट बनाया गया है। तो वहाँ पर जो है ट्रकों को लोड किया जाता है, ले जाया जाता है। जब ट्रकों को लोड करते हैं उसे रोल ऑन कहते हैं, जब ट्रकों को वहाँ पर उतार दिया जाता है तो उसे कहते हैं रोल ऑफ, इसलिए इसे रोरो के नाम से जाना जाता है, रोरो ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, नेट पर सर्च करेंगे रोरो ट्रेन तो वो भी आप लोगों को ट्रक लोड हुए होंगे इस फ्लैट वैगन के ऊपर, तो ये इस प्रकार का आप लोगों को वैगन दिखाई पड़ेगा। NMG अगला है, NMG तो NMG न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन बोली जाती है। तो ये जो होती है NMG, ये पूरी तरीके से स्लीपर कोच के जैसे ही आप लोगों को दिखाई पड़ेगी, पूरी तरीके से इसकी खिड़कियाँ जो होंगी बंद होंगी और ये 21 साल पुराना रैक होता है और इसकी क्षमता जो है 12 टन सहने की क्षमता होती है, तभी इसका इसमें उपयोग किया जाता है। और क्योंकि इसमें जो है ट्रैक्टर, कार, जीप आदि ये इस प्रकार के व्हीकल्स जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, क्योंकि इसमें सस्पेंशन बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से इसमें जर्क बहुत कम लगता है, तो गाड़ियों का आदान प्रदान इसी के ज़रिए किया जाता है। आप लोगों ने इस टाइप के जो हैं गुड्स ट्रेन देखी होंगी, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो से
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।